इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है, डबल इंजन की ताकत क्या हो सकती है। और अगर एक परिवार में चार से पांच लोग भी मानूं तो 10 से 12 लाख लोगों का सीधे सीधे पीएम आवास योजना का लाभ हुआ है, उनकी जिंदगी में एक नई आशा का संचार हुआ है। त्रिपुरा की 40 लाख की आबादी को देखते हुए ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये है भाजपा सरकार के काम करने का तरीका, ये है डबल इंजन की सरकार के काम करने के परिणाम। जो लोग झूठ बोलकर, साजिश रचकर भाजपा सरकार को हटाने के सपने देख रहे हैं, उनके सामने ये लाखों लोग भाजपा का सुरक्षा कवच बन करके आज दीवार बन करके खड़े हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं। साथियों, त्रिपुरा के लोगों ने लेफ्ट और कांग्रेस के बरसों के कुशासन में एक बहुत बड़ी पीड़ा भुगती है। ये पीड़ा थी स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी। घर में कोई बीमार हो जाए तो यहां के लोगों के पास इलाज के लिए ना तो अच्छे अस्पताल थे, इलाज के पैसे भी उनकी बहुत बड़ी चिंता थे। भाजपा सरकार को आपकी इस चिंता का ध्यान था, इसलिए ही हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान भारत योजना लेकर के आए। और मुझे खुशी है त्रिपुरा के करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा गरीब मरीजों को गंभीर बीमारी की स्थिति में आयुष्मान योजना ने मदद की और उनकी जिंदगी बचाने का पुण्य प्राप्त किया है। आप कल्पना करिए, अगर आयुष्मान योजना न होती, अगर भाजपा सरकार न होती, तो क्या ये सुविधाएं त्रिपुरा के गांवों में मेरे गरीब के घर तक पहुंचती क्या, जनजातीय समुदाय के घर तक पहुंचती क्या, हमारी माताओं बहनों को बीमारी से मुक्ति मिलती क्या? आयुष्मान योजना के साथ साथ हमने त्रिपुरा में अस्पतालों के निर्माण पर भी बल दिया है। हाल में ही पहला, आजादी के इतने सालों के बाद पहला डेंटल कॉलेज भी त्रिपुरा को देने का सौभाग्य हमें मिला है। कांग्रेस और लेफ्ट गरीब से सिर्फ विश्वासघात करना जानते हैं। वो गरीब को कभी किसी चिंता से मुक्त नहीं कर सकते। साथियों, भाजपा सरकार की कोशिश सिर्फ आपको बेहतर इलाज की सुविधा देने की नहीं, लेकिन भाजपा सरकार हर वो उपाय कर रही है कि आपको बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए। जब हर घर नल से जल आता है तो घर में बीमारी कम होती है। जब हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंचती है तो घर से बीमारी भी दूर भागती है। जब हर घर में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचता है तो रसोई से धुआं कभी ऊपर नहीं उठ पाता है, उसको भागना ही पड़ता है,
और सिर्फ धुआं नहीं, बीमारी भी भागती है। भाजपा आपकी सेवक की तरह, सच्चे साथी की तरह, आपके सुख दुख के संबल की तरह, आपकी हर चिंता दूर करने का काम आज भाजपा सरकार दिन रात मेहनत करके कर रही है। भाजपा सरकार की वजह से यहां 4 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय बने हैं। भाजपा सरकार की वजह से यहां 4 लाख से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचा है। भाजपा सरकार की वजह से यहां करीब करीब 3 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा है। आप मुझे बताइए साथियों, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कभी आपकी सेवक बनकर काम कर सकती है? कांग्रेस और लेफ्ट तो त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने वाली ऐसी हर योजना को बंद कर देना चाहती है। इसलिए त्रिपुरा के लोगों को लेफ्ट और कांग्रेस की ये दुधारी तलवार से सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, आवास आरोग्य के साथ ही आय भी त्रिपुरा के लोगों की नई त्रिशक्ति बनी है। भाजपा सरकार ने जितना त्रिपुरा के लोगों की आय बढ़ाने के लिए किया है, उतना पहले कभी त्रिपुरा में हुआ ही नहीं। आय उनकी बढ़ती थी क्योंकि वो चंदा ले ले लेते थे। हम आपकी आय बढ़ाने में लगे हैं। भाजपा का सरकार अभी तक त्रिपुरा के 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में 500 करोड़ रुपए से अधिक जमा कर चुकी है और वहां कोई बिचौलिया नहीं, कोई चंदा चोर नहीं। यहां हमारे ढलाई के भी करीब करीब 40,000 किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान निधि के 80 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का बहुत लाभ त्रिपुरा के धान बोने वाले किसान को हुआ है। अब तो त्रिपुरा, बीजेपी ने ऐलान किया है कि सरकार में वापसी के बाद इस राशि में और वृद्धि की जाएगी। साथियों, मुझे याद है जब त्रिपुरा में भाजपा सरकार नहीं थी तो किसानों को एमएसपी के नाम पर कुछ खास नहीं मिलता था। लेफ्ट के शासन में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना एक सपने की तरह था, लेकिन अब भाजपा सरकार में जब एमएसपी की घोषणा होती है तो यहां त्रिपुरा के भी हर किसान को उसका लाभ मिलता है। त्रिपुरा में धान पैदा करने वाले 27,000 से ज्यादा किसानों ने, उनके खाते में भाजपा सरकार ने करोड़ों रुपए सीधे जमा भेजे हैं। भाइयों और बहनों, आवास आरोग्य और आय की स्त्री शक्ति का सबसे बड़ा लाभार्थी हमारा जनजातीय समाज है। एक क्षेत्र तो वन संपदा के लिए, वन उपज के लिए मशहूर है। बांस करील को लेकर पहले की सरकारों का क्या रवैया था, ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों के दौरान तो बांस काटना और इसका व्यापार, उस पर भी प्रतिबंध था, बैन था। ये भाजपा सरकार ही है जिसने इस कानून को हटाया। भाजपा सरकार तो अब बांस से बने उत्पादों का
देश दुनिया में प्रचार कर रही है। इसका लाभ सबसे अधिक जनजातीय समाज को हो रहा है। मुझे खुशी है कि आज त्रिपुरा में देश का पहला बांस पार्क बना है। साथियों, त्रिपुरा में भाजपा सरकार अगरबूर की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है। भाजपा सरकार अगर नीति लेकर के आई है, इससे हजारों किसानों की आय बढ़ने वाली है। 2014 से पहले कुछ ही वन उपजों पर एमएसपी मिलता था, लेकिन हम 90 से अधिक वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाए हैं। साथियों, भाजपा सरकार देश में कहीं भी हो जनजातीय समाज के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है। अटल जी की सरकार ने पहली बार आदिवासी समुदाय के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट बनाया। अब तो हमने आदिवासी विकास के लिए बजट को 5 गुना कर दिया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, उसके मुकाबले 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा का बजट इस बार जनजातीय समाज के लिए रखा है। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे त्रिपुरा के जनजातीय समाज को होने वाला है। साथियों, ये हमारी ही भाजपा सरकार है जितने सरकारी स्कूलों में कूटपूर्वक भाषा को एक विशेष विषय के रूप में शामिल किया है। आज इसे त्रिपुरा के सैकड़ों स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। भाजपा सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, उससे स्थानीय भाषा में पढ़ाई और आसान हुई है। अब डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्थानीय भाषाओं में हो सकेगी। यानी मेरे गरीब आदिवासी भाई बहन का बेटा बेटी भी अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आसान से इसे पूरा कर सकेगा। साथियों, दिल्ली में जब कांग्रेस लेफ्ट की सरकार थी, जब यहां सीपीएम की सरकार थी, तब उन्होंने जनजातियों के बीच में भी दरारें पैदा कर दी। इन दलों ने समाज के एक दूसरे के बीच टकराव को बढ़ावा दिया। दशकों तक यहां ब्रू रियांग का मुद्दा चलता रहा, लेकिन इन्होंने उसके स्थायी समाधान के लिए प्रयास नहीं किए। डबल इंजन सरकार ने इसे सुलझाया और आज हम ब्रू रियांग समुदाय की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बजट में ब्रू रियांग जैसी जनजातियों के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात में सतर्क करना चाहता हूं। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग मिलकर छल कपट में जुटे हैं। कुशासन के पुराने खिलाड़ियों ने हाथ मिला लिया है, साथ ही कुछ दूसरे दल भी उनकी पीछे से मदद कर रहे हैं। ऐसे दलों का नाम और नारा कुछ भी हो, लेकिन उनको जाने वाला एक एक वोट त्रिपुरा को फिर से पीछे धकेल देगा। इसलिए 16 फरवरी को सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर और आईएफटी के चुनाव चिन्ह पर ही बटन दबाना है। आप ये याद रखेंगे ना, रखेंगे ना, गांव गांव जाएंगे, आस पड़ोस में जाएंगे, औरों को भी बताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, करेंगे, पक्का करेंगे,
सबके घर जाना और बताना कि हमारे मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, इतना मेरा संदेश बता देंगे, बता देंगे। चलिए, इतनी बड़ी संख्या में आकर के आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।